हेलो डियर फ्रेंड्स वालेकुम उम्मीद करता हूँ कि आप सब खेरट से होंगे और आज जो है हम इसका सिक्स पार्ट जो है जो कि हमारा लास्ट पार्ट होगा वो हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि सब दोस्त जो हैं इसे फ़ायदा उठा सकें तो बिना किसी देर के वीडियो करते हैं स्टार्ट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या फिर हमारे चैनल में न्यू है तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल कर दें ताकि आने वाली जो भी प्रिपरेशन के हवाले से वीडियो हो वो आप तक पहुँचनी लाजि है क्वेश्चन नंबर हमारे पास वन हंड्रेड जीरो सेवन वन हंड्रेड सेवन से स्टार्ट कर रहे हैं हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू टीज टू टेलीवाइज पिक्चर ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स कौन सा कौन सा साइंस सादान था कौन सा मतलब कौन था जिसने पिक्चर को टेलीविजन में दिखाया या फिर मूविंग पिक्चर ऑब्जेक्ट की पिक्चर दिखाई तो वो है ऑप्शन नंबर ए जॉन लोगिया लोग ऑप्शन नंबर बी जॉर्ज किरे ऑप्शन नंबर सी सी एफ ऑप्शन नंबर डी पॉल निक निक निपकू तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए जॉन लोगिया बियर जो है वो उसने मूविंग ऑब्जेक्ट की पिक्चर दिखाई थी उसके बाद क्वेश्चन नंबर 108 हंड्रेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोइंगज डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिविटी रेडियो एक्टिविटी किसने डिस्कवर की ऑप्शन नंबर ए हेनरी बेक्यूरियल ऑप्शन नंबर बी मेरी क्यूरी ऑप्शन नंबर सी न्यूटन ऑप्शन नंबर डी आनेस्टाइन तो हेनरी बेक्यूरियल जो है रेडियो एक्टिविटी जिसने डिस्कवर की उसके बाद क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड नाइन ने हू डिस्कवर न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया ऑप्शन नंबर ए चेडविक ऑप्शन नंबर बी थॉम्पसन ऑप्शन नंबर सी रदरफोर्ड ऑप्शन नंबर डी गोल्ड तो न्यूट्रॉन जो है वो चेडविक ने डिस्कवर किया उसके बाद क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड टेन सेल थ्योरी वॉज प्रोपोज बाय सेल थ्योरी किसने प्रोपोज की ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट विच्यू ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट हुक ऑप्शन नंबर सी शेल्डन एंड शिवान ऑप्शन नंबर डी विलियम हार्वे तो फिर सेल थ्योरी जो है वो शेल्डन एंड शिवान ने डिस्कवर की मतलब उसने प्रपोज की उसके बाद क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड इलेवन है हु इज नोन एज द फादर ऑफ जूलॉजी जूलॉजी का फादर किसको कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए स्कॉलर ऑप्शन नंबर बी परकिस ऑप्शन नंबर डी डॉकिंस डार्किंस और ऑप्शन नंबर डी एरस्टोटल तो जूलॉजी का फादर जो है वो अरेस्टोटल को कहा जाता है उसके बाद इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया ऑप्शन नंबर ए अर्नेस्ट रदरफोर्ड ऑप्शन नंबर बी मैक्स प्लैंक ऑप्शन नंबर डी जोसेफ थॉम्पसन और ऑप्शन नंबर डी अल्बर्ट आनेस्टाइन तो इलेक्ट्रॉन जो है वो जोसेफ थॉमसन जिसको जे जे भी कहा जाता है उसके बाद क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड थर्टीन है हाइड्रोजन बॉम हाइड्रोजन बॉम जो है वो किसने इन्वेंट किया ऑप्शन नंबर ए। एन ओपिन ऑप्शन नंबर बी अल्बर्ट आइंस्टाइन ऑप्शन नंबर सी सेम्यूल कोहेन ऑप्शन नंबर डी एडवर्ड टेलर तो हाइड्रोजन बॉम जो है वो एडवर्ड टेलर ने डिस्कवर इन्वेंट uh, किया उसको क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड फोर्टीन है हु इन्वेंटेड इंटरनल कम्बस्शन इंजन इंटरनल कम्बस इंजन किसने ईजाद की ऑप्शन नंबर ए फ्रेंको मोडिगलिनी। ऑप्शन नंबर बी रोडोल्फ डीजल ऑप्शन नंबर सी कार्ल बेंस ऑप्शन नंबर डी जेक्वेस। तो जो कम्बसन इंजन इंटरनल कम्बस्टन इंजन है वो रोडोल्फ डीजल ने इन्वेंट की उसके बाद क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड फिफ्टीन है विच डिवाइस वाज इन्वेंटेड इन नाइनटीन सेवेंटी थ्री बाई डॉक्टर मार्टिन कूपर इन मोटरोला ऑप्शन नंबर ए कॉर्डलेस फोन ऑप्शन नंबर बी पेगर ऑप्शन नंबर सी सेल फोन ऑप्शन नंबर डी सेटलाइट फोन तो जो uh, as, uh, क्या है मोटरोला जो है वो किसने ईजाद की उस डिवाइस की कौन सी डिवाइस जो है मोटरोला में ईजाद की गई बाय डॉक्टर मार्टिन कोपर ने वो है सेल फोन में सेल फोन ईजाद हुई उसके बाद क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड सिक्सटीन है बाल पॉइंट पेन बाल पॉइंट पेन जो है वो किसने ईजाद की ऑप्शन नंबर ए राइटर ब्रदर्स ऑप्शन नंबर बी बिग ब्रदर्स ऑप्शन नंबर सी बीरो ब्रदर्स ऑप्शन नंबर डी वाटरमैन तो बाल पॉइंट पेन जो है वो बीरो ब्रदर्स ने इन्वेंट की क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड सेवेंटीन ने जेम्स वाट इज फेमस फॉर इन्वेंशन ऑफ जेम्स वार्ट जो है वो वाट किस कौन क्या ईजाद किया किसकी वजह से वो फेमस है ऑप्शन नंबर ए स्टीम बोट ऑप्शन नंबर बी डेविंग बेल ऑप्शन नंबर सी स्टीम इंजन ऑप्शन नंबर डी हॉट एयर बलून तो जेम्स वाट जो है वो स्टीम इंजन उसने ईजाद की उसके बाद क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड एटीन है X -rays? X -rays किसने ईजाद की है ऑप्शन नंबर ए अर्नेस्ट सदर ऑप्शन नंबर बी नील्स बोहर ऑप्शन नंबर सी विलियम रोइजिन ऑप्शन नंबर डी जे जे थॉम्पसन तो एक्सरेस जो है विलियम रोइजिन जो है उन्होंने डिस्कवर किए क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड नाइनटीन है ज़ीरो वाज इन्वेंटेड बाय जीरो किसने इजाद किया ऑप्शन नंबर ए अल-ख्वारज़मी ऑप्शन नंबर बी इब्ने रोशद ऑप्शन नंबर सी विलियम केल्विन ऑप्शन नंबर डी नन नगदीश तो जीरो जो है वो अल-ख्वारज़मी ने इन्वेंट किया उसके बाद क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड ट्वेंटी है द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन ये जो थ्योरी है वो किसने दी ऑप्शन नंबर ए गले ऑप्शन नंबर बी न्यूटन ऑप्शन नंबर सी कारपेन निकस कारपिनिकस ऑप्शन नंबर सी कीपलर तो इसमें वन हंड्रेड ट्वेंटी जो है वो जो सन अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन वो जो थ्योरी थी वो कॉपर कौ, कौपर, कॉपर निकस ने जाती डिस्कवर प्रोपोज की क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड ट्वेंटी वन हु डिस्कवर्ड हाइड्रोजन हाइड्रोजन किसने ईजाद की ऑप्शन नंबर ए जोसेफ प्रसली ऑप्शन नंबर बी हेनरी केवंडिश ऑप्शन नंबर सी हमफ्रे डेवी ऑप्शन नंबर सी डैमथ्री मालदीव्स मैंडलीव सॉरी डेम थ्री मैंडलीवस तो हाइड्रोजन जो है वो हेनरी कैंडिश ने ईजाद की उसका क्वेश्चन नंबर वन वन हंड्रेड ट्वेंटी टू हु बिल्ड द फर्स्ट फुली प्रैक्टिकल एयरप्लेन जो प्रैक्टिकल एयरप्लेन है वो किसने बिल्ड किया ऑप्शन नंबर ए हेनरी फोर्ड ऑप्शन नंबर बी वाइबर एंड ओवर वाइल्ड राइट ऑप्शन नंबर बी अल्बर्ट आइंस्टाइन ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर डी थॉमस एडिसन तो वो प्रैक्टिकल एयरप्लेन जो था वो वाइबर एंड ओवर राइट ब्रदर राइट तो ये जो थे न, ये इनको राइट right ब्रदर्स भी कहा जाता है क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड ट्वेंटी थ्री कैलकुलेटिंग मशीन इज एसोसिएटेड विथ कैलकुलेटिंग मशीन जो है वो किसके साथ एसोसिएट है ऑप्शन नंबर ए पास्कल ऑप्शन नंबर बी न्यूटन ऑप्शन नंबर सी फ्रैंकलिन ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज तो कैलकुलेटिंग मशीन जो है वो पास्कल से एसोसिएट है क्वेश्चन नंबर वन ट्वेंटी फोर हु इन्वेंटेड टाइप राइटर टाइप राइटर किसने ईजाद किया ऑप्शन नंबर ए जे एच वेसल ऑप्शन नंबर बी विलियम रोइजन ऑप्शन नंबर सी पी टी फॉर्स फॉर्सवॉर्ट ऑप्शन नंबर डी एच टोयलर एंड लियोसी चॉन्ग तो एच टोयलर एंड लियो सी चौग ने ये टाइप राइटर इन्वेंट किया उसका क्वेश्चन नंबर वन ट्वेंटी फाइव है हु अमंग द फॉलोइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी मास एंड एनर्जी में किसने कॉन्सेप्ट दिया ऑप्शन नंबर ए आइंस्टाइन ऑप्शन नंबर बी प्लैंक ऑप्शन नंबर सी डाइटन ऑप्शन नंबर डी रदरफोर्ड तो मास एंड एनर्जी के बीच में जो रिलेशन दिया वो थे आइंस्टाइन जो मोस्ट फेमस पर्सनैलिटी हैं ऑप्शन नंबर ट्वेंटी वन हंड्रेड ट्वेंटी सिक्स विच इज़ यूज टू मैयर द गैस प्रेशर गैस प्रेशर मैर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ uh, किया जाता है ऑप्शन नंबर ए मेनोमीटर ऑप्शन नंबर बी मेगनो मेनोमीटर ऑप्शन नंबर सी बेरोमीटर ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर डी माइक्रोफोन तो प्रेशर जो मैर गैस प्रेशर मैर करने के लिए मेनोमीटर यूज़ किया जाता है उसके बाद क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड ट्वेंटी सेवन विच इंस्ट्रोमेंट इज़ यूज टू मैयर द हाई टेम्परेचर हाई टेम्परेचर मैयर करने के लिए क्या कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है ऑप्शन नंबर ए पोटेंशियोमीटर ऑप्शन नंबर बी पाइपेटी ऑप्शन नंबर सी साइकोमीटर ऑप्शन नंबर सी पायरोटर तो हाईएसट टेम्परेचर जो है हाई टेम्परेचर यूज़ मैयर करने के लिए वो पायरोटर यूज़ किया जाता है क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड ट्वेंटी एट वस्ट्रूमेंट यूज मैर एटमासफियरिक्रेशर एटमासफियर प्रेशर प्रेशर मैयर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है ऑप्शन नंबर ए बेरोमीटर ऑप्शन नंबर बी एराटोसेन एराटोस एराटोसथेन्सिस ऑप्शन नंबर सी थर्मोस्टेट ऑप्शन नंबर डी विस्कोमीटर तो ये जो है एटमासफियर प्रेशर मयर करने के लिए हम बैरोमीटर का यूज़ करते हैं उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास वन हंड्रेड ट्वेंटी नाइन उस इंस्ट्रोमेंट इज़ यूज फॉर मैयरिंग ह्यूमिडिटी एयर जो एयर में ह्यूमिडिटी जो मौजूद होती है वो मैयर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है ऑप्शन नंबर ए हाइग्रोमीटर ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोफोन ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोमीटर ऑप्शन नंबर डी हेलीस्कोप तो ये जो है इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ किया जाता है मयरिंग एयर ह्यूमिडिटी वो है हाइग्रोमीटर उसके बाद क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड थर्टी है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर मेयरिंग द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी मेयर करने के लिए कौन सा मीटर यूज़ किया जाता है ऑप्शन नंबर ए हाइग्रोमीटर ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोफोन ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोमीटर ऑप्शन नंबर सी हेलीस्कोप तो इसमें जो है जो हम स्पेसिफिक स्पेसिफिक लिक्विड जो है लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी यूज़ मैयर करते हैं वो है हाइड्रोमीटर तो यहाँ पे हमारी जनरल साइंस के एवरीडे साइंस के जो हैं 130 एमसीक्यूज पूरे हो रहे हैं कंप्लीट हो रहे हैं तो इन इससे आगे जो है हम uh, या तो इंग्लिश का पोर्शन लेंगे या फिर मैथ uh, का कुछ पोर्शन लेंगे तो इनशा इसमें इसका आगे कंप्यूटर का पोर्शन भी है इंग्लिश का पोर्शन भी है मैथ का पोर्शन भी मतलब सब जो भी है इन नंबर वाइज आप आपसे शेयर करते जाएंगे तो तब तक के लिए मुझे दे जाने के बाद थैंक यू अल्लाह अल्लाहफिज़